अगर कोनो और लड़की रही तो हमनी खुशी खुशी सब सगन करके घर के हिस्सा बना लेती। पर सिमोन सिमोन ही घर के हिस्सा कबो भी न बन सकेगी। अगर आप लोगन के ये फैसला बा तो ठीक बा, हम अब सिमोन के साथ तो छोड़ ना पाई। अगर आप लोग सिमोन के मेहरा हाउस में न रखबा तो हमके भी सिमोन के साथ में मेहरा हाउस छोड़ के जाए के पड़ी। ए घर के बिटुआ रॉकी, पूरा नाम राकेश मेहरा, ओकरा साथ शादी करके आइल भी है। आपके शादी के बारे में अच्छा तरह से मालूम हुई? हाँ जी, हमके तो मालूम ही बा। अगर आपके कुछ और बतावे के हो तो बता दी। लोग तो अपन बहू के गहना देत है, लेकिन हम अपन जमाई के सोना के गहना ला देब। कमी तो रोकी के घर में भी नहीं खे, वो भले ही हमारे बिटुआ नहीं खे, फिर भी हम उकरा के अपन बिटुआ से कम ना समझल है। हम भी जमाई के अपन बिटुआ ही समझत है। हम तो उकरा से ये भी कह दे ले रही कि जौन भी सिमोन के बा वो उकरा ही बा। सारा जायदाद सारा बिजनेस उकरा नाम करा दे, पर वो मनल से नहीं खे। वो आपके बात मानत भी नहीं खे। मेरा परिवार के लड़का कभी घर जमाई बन के ना रहले बाड़े और ना ही रोकी रही। आप हमरा के ये बतावे खातिर फोन कर ले बाड़े मेहरा साहब? हम तो ही पता करे खातिर फोन कर ले रही के रॉकी और सिमोन के शादी के बारे में पता चलल के ना। चला कौनो बात नहीं की, हम फोन रखा थे। एक मिनट जेके साहब। हाँ जी बताएं। बस कुछ खास ना, हम तो ये सोचते रहनी के कि अब वो लोगन के शादी तो हो ही गई बा। आज से आप अपन सारा रस्म रिवाज उसी तरह मनेबा जैसे मनावल जाला। ये मेहरा हाउस बा राजेंद्र जी, और इस समय आप जेके मेहरा से बात कर रहा है। और जेके मेहरा के बात की अच्छी तरह से पता बा कि घर के बहू के घर में कैसे रखल जाला, फिर वो चाहे केहू भी होके। केहू भी ना जी के मेहरा साहब, सिमोन चड्ढा राजेंद्र चड्ढा के बिटिया, वो अब चल गई आपके घर के अंदर। तब घर में बैठ के मेहरा परिवार के जड़ के ऊ उखाड़ी और बिजनेस के मोर्चा पे हम तोहरा के मात देब। अब हमके मेहरा परिवार के कौनो भी तरह से जिए ना देब। बहुत दर्द लेके बैठा नहीं अपन सीना के अंदर, वो दर्द जौन तू हमरा के देले बाड़े, वो दर्द के मूल्य भी तोहरा के ही चुकावे के पड़ी। आवा सिमोन, मेरा हाउस में तोहर स्वागत बा। आज से यह तोहर कमरा बा। तोके पक्का यकीन बा कि ये कमरा हमार बा? एमे यकीन वाला कौन सा बात बा, यह तोहर आज से कमरा बा। देखा गीत, हमके पता बा कि तू कवन घर से आयल बाड़ू। तू एगो ढोली के लेकी बाड़ू। तहार घर में ता छोटा मोटा बरसात में छत टपकल आम सा ही बात बना। छोटा छोटा कमरा, ओकरा से भी छोटा खिड़की, जिकरा में ओकर हवा भी अच्छा से क्रॉस ना होखेला। हमके हमार घर के हालात के पता बा, तू हमके ये सब कुछ कहे बता रहल बाड़ू सिमोन? हम तो के ये सब बतावत आनी ताकि तू हमके समझ सका। काहे कि अगर तोके ई कमरा में रहे के मौका दे देहल जाए ना, तो तोके ई लागे कि तू स्वर्ग में रहत बाड़ू। पर हम जितना बड़ा घर से आई बानी, हमार यहाँ दम घुटी, हम यहाँ ना रह सके। निगीत तू कह के का चाहे लो सिमोन? हम चाहे जे मर्जी कही, वैसे तोके कहे के कौनो फायदा ना बा। कहे कि तू कवनी घर के मालकिन बाड़ू? मालकिन तो ना, हमें घर के बहू जरूर हैं। फिर ये बतावा गीत ढोली जी कि हम के बानी? हम भी तो शादी करके घर में आए बानी। और हाँ, हमके ये भी बहुत अच्छा तरह से पता बा कि अपन हक के हासिल करे खातर का करे के पड़े ले। कौन हक के बात कर रहल बाड़ू तू सिमोन, और का हासिल करे के चाहे लू तू? हम हासिल करे के चाहता नहीं ई घर, और तहार घर वाला
मल्हार मेहरा, आपन जुबान संभाल के बात करा सिमोन। तू घर में केहू और के साथ शादी करा के आयल बाड़ू ना, और तू अभी भी हमार मल्हार के बारे ऐसे सोच रखे लू। क्या बकवास करके गेल बाड़ी, कहा भेल भाभी जी, कहा जा रहा बाड़ू? अब कहीं ना। अच्छा रखी, हमके को बात बतावा, तोहर और सिमोन के शादी ओकर इजाजत से ही भइल बा ना? मतलब वो तैयार रहली ना शादी खातिर? हाँ तैयार रहे, ये खातिर तो हमार बीवी बन के आयल भी है यहाँ पे। अगर हमके उठा के लेके आवे के होत तो हम शेरवानी पहन के थोड़े ना जाती। और ओकर घर वाला लोग, उनकरा के कोनो इतराज तो नहीं रहे ना इस शादी से? कोनो इतराज नहीं खे, अरे शादी खातिर वो लोग भी राजी रहे। और तू दोनों एक दूसरे के पसंद तक करत है ना, तबे तो शादी कर लेना तू दोनों। आप इतना कुछ काहे पूछ रहा बाड़ू भाभी जी, कोनो बात हो गई? ना कुछ हो ना। अभी हम रॉकी के कुछ बता भी तो नहीं सकत है ना, ना तो का दिल टूट जाए। अब हम कैसे बताएं कि सिमोन ओकरा के अपन चक्रव्यूह में फंसा ले बाड़ी? जेके मेहरा साहब। सिमोन इका बदतमीजी बा, तू जेके भैया के उनका नाम से बुलावता नहीं? चले ठीक बा, ना बुलावता नहीं हम उनका के ई नाम से। तब फिर आप बताई ना कि हम इनका कवन नाम से बुलाई? पापा जी, चाचा जी, या ताया जी? तहरा इतना भी ना पता? अगर ना पता तो तभी पूछा था नहीं ना चाचा जी? ओकरा से पूछा जकरा से बियाह करके तू ई घर में आइल बड़ू, वो तहरा बताई कि कौन ई घर में का लगता होकर, कौन बड़ा बा और कौन छोटा बा। तहरा भी सब लोगन के ऐसे ही इज्जत करे के चाहिए जैसे वो करता। अच्छा, अब हमके बड़न की इज्जत करे खातिर मेहरा हाउस में नौकर वाला काम करे के पड़ी? तू कहे के का चाहेलू सिमोन? के कहले तो के नौकर वाला काम करे खातिर? जौन कहे के हा, साफ साफ कहा। हमके कहिए भी की काम करे खातिर, पर जवन कमरा आप हमके देत बानी वहां तो कोनो नौकर भी ना रहे। अब शायद आप भूल रहल बानी, हम तो आपके पूरा मेहरा हाउस खरीदे के ताकत रखता नहीं जेके मेहरा साहब। आपन हाथ में रहा सिमोन? ओहो, फिर गुस्सा करता नहीं जेके मेहरा साहब? तब फिर हम का कहकर बुलाई? रॉकी ताया जी कहेला तो ताहरा के भी ताया जी ही कहे के चाही ना? अच्छा ताया जी, आपके तब पता ही बाना कि हम आपके मेहरा हाउस के खरीदे के ताकत रखा था नहीं, तो हमार घर में तो हमार बेडरूम भी बालकनी के साथ अटैच रहे। आपके ई हॉल से थोड़ा सा ही छोटा होके सारा फैसिलिटीज भी रहे, और आपके घर में रहे खातिर हमके छोट सा कमरा दहल जात बा, और हमार हस्बैंड भी उहे रही है ना, ई ना हो सकेला। रॉकी, रॉकी कहाँ बाड़ा तू? हाँ बतावा सिमोन, का भाई
कुछ चाही का? चाही तभी तो कहा था नी कि हम अब जे भी मांगा भी घर में हाजिर हो जाए। का मतलब? मतलब बहुत सीधा सबा कि जवन कमरा हमके घर में रहे खाते दिल गई बा हम वहां ना रह सकें। अब तू सोचा कि तू का कर सकेले। सिमोन, ये कौन नया तमाशा बता हर? अगर हम गलत ना बानी तो रॉकी आपके चाचा जी कहत बारे ना, तो हम भी चाचा जी ही कहब ना? हाँ, चाचा ही बानी ता। लेकिन अब तू बतावा, ये का नया तमाशा बा? ये कौन तमाशा ना बा चाचा जी? हम तो बस उहे कहत बानी, उहे मांगा तानी, जे हमार हक बा। का मतलब हो तुम्हारी बात के? आप अभी भी ना समझ नहीं ताया जी, एक बार फिर सुन ली। हम वो कमरा में ना रह सकें। अच्छा, ना रह सकेलू? फिर तू ही बतावा, कहाँ रहबू तू? हम वो कमरा में रहब जे सीढ़ी के बिल्कुल बगल में बा। अच्छा, सीढ़ियां चढ़ के राइट साइड वाला कमरा। सिमोन, तू के मालूम है तू का कह रहा वाड़ू? वो कमरा मल्हार और गीत के कमरा बा। ताका भाई, गीता वैसे भी एगो गरीब घर से आयल बाड़ी, ओकरा ता छोटा कमरा में रहे के आदत बा। बाहर कर दी ओकरा के ओ कमरा से, कमरा खाली करवा दी हमरा खातिर। तो के मालूम बा तू का कह रहल बाड़ू सिमोन? हां जी ताया जी, हमके पता बा, हम बस ओ कमरा में रहे के चाहता नहीं। तोहरा चाहे से यहाँ कुछ ना हो पाई तो क्यों कमरा ना मिल सकेला? सिमोन, ये तो गलत बात बना ताया जी। हमके तो आप सब लोग मिलके आवत ही सारा रिश्ता गिना देनी, और आप खुद हमके सिमोन का हाथ बानी। छोटी बहू कही ना हमके। चल ठीक बा, तो सुन ला फिर। तो के ओ कमरा ना मिली छोटकी बहू? सोच ली ताया जी। वैसे भी हमार पापा थोड़े देर में सारा सामान भेजत ही होगी। ओकरा में महंगा बेडशीट्स और हमार मेकअप के सामान से सारा कुछ होगी, और इतना ब्रांडेड सामान भी बा। छोटा से कमरा में तो ओ आई है भी ना चाचा जी, ओकरा खातिर तो बड़ा कमरा ही चाहत होगी ना। तू चिंता ना करा सिमोन, तो के जोन जोन चीज चाहिए चाचा जी तो के उहे दे दी हैं। बस तू एक बार मुंह तक खोला सही, तू चाचा जी के जानत नहीं खे। बहुत ही अच्छा दिल के हैं चाचा जी। थैंक यू रॉकी डार्लिंग, थैंक यू सो मच। डायमंड, तो के कुछ मालूम भइल? ई सिमोन कहे के का चाहेली? भैया, इत आपके भी बढ़िया तरीका से पता बा, और हमरा भी कि उ चाहत का बिया। हमरा तो जब से पता चलल बा कि रॉकी से बिया कैले बानी, तो हम तभी ही समझ गई नी कि एकर नियत साफ नहीं के। सही बात बा, सिमोन के घर में आवे के कोनो अच्छी बात नहीं के, और ना ही वो अच्छी लड़की बिया। हमके तो चिंता हो रहल बा कि ई घर में अब का होई। हेलो, नमस्ते चाचा जी। चली चली जेब भी बोली के बाद जल्दी बोली। फिलहाल आपकी बेटी अभी बिजी बारी, फ्री होके ना आपसे बात करी। फिर जल्दी जल्दी सुन ला, रॉकी के ब्याह हो गई बा। अच्छा, रॉकी ब्रो की शादी हो गई? कमल लेके पसंद आ गए उनका के? बड़ा अमीर घर के लेके पसंद आई बा रॉकी के।
का नाम बाओकर? सिमोन। सिमोन? ना चाचा जी, इना हो सकेला। ना ना, हम ना माना तानी। अब तो तारा के माने के ही पड़ी। ओकरा वो घर भी लेके आ गई और ओकर ब्याह भी हो गई और तो और ओकर गृह प्रवेश के सगुन भी हो गई। के कहले ओकर गृह प्रवेश? मॉम? ना, ओकर गृह प्रवेश के सगुन तहार भाभी गीत कहले बानी। सिमोन के गृह प्रवेश के सगुन गीत भाभी कहली, पर कहे हमके अभी घर वापस जाए के पड़े। आप फिकर मत करें चाचा जी, हम अभी आवतानी, आवतानी हम। निकल जाइए यहाँ से, भाग यहाँ से सिमोन। सिमोन, तू यहाँ का कर अलवाड़ू? कहे ताया जी, हम अब ये कमरा में भी ना सके नी? ना सकेलू, कह के तो क्या हम ये कमरा में आवे की इजाजत ना दे ले ही। हमार भी एगो जिद बताया जी कि हमार स्पेशल नाइट ता आज इहे कमरा में हुई। सिमोन, अरे तनी ता दिमाग से सोच लिहल करा, तू तब बेशर्मी के सारा हद पार कर रहल बढ़ू। केकरा से कैसे बात करे के बा, तहरा के इभी ना सिखेले बनी तहर माँ बाप। अब तू इभी तय करबू कि तहर सुहागरत कहाँ पे हुई। अरे तनी ता शर्म करा कि तू कहाँ खड़ा बिया। इतहार पहला बला मेहरा हाउस ना, तहार ससुराल बा। ता का भेल चाचा जी, ई घर के दूसर बहू भी ता सारा काम अपन मर्जी से ही करेली ना। तू कहल का चाहत अड़ू सिमोन? हम गीत के बात करत बानी चाचा जी, ओ भी ता सारा काम अपन मर्जी से ही करत बानी। यहाँ तक कि ई घर के सारा फैसला ओकर मुताबिक ही होखे लेना। वो भी तो ये घर के बहुबारी। गीत? अरे गीत में और ताहरा में ना जमीन आसमान के फरक बा। गीत के साथ अपन मुकाबला मत ही करा, ताहरा खातिर अच्छा रही। इकरा से कोनो ज्यादा बात ना करा। राजेश, इकरा एकर कमरा तक छोड़ के आवा। जरूरत ना बा फूफा जी, हम खुद ही चल जाए। पर हम सिर्फ अभी जात बानी यहाँ से, वापस दोबारा जरूर आए अपन स्पेशल नाइट खातिर। ये उहे कमरा बना जहाँ हमार प्यार के गला घोटल गई रहे, जहाँ हमार सारा सपना चूर चूर भइल रहे। मेहरा परिवार के बहु बात कर रहल बानी, मल्हार साहब जी के पत्नी। समझ गई लू? निकला भी यहाँ से तू। हम कहा था निकला यहाँ से तू अभी। पर आज अपन सपना टूटे ना देख, अपन स्पेशल नाइट ये कमरा में हुई। पापा, पापा ये हम कहा सुनत बानी? सिमोन, तू रॉकी ब्रो से शादी कर लुआ? हाँ, पर तू ना भाभी कहा हमसे? वैसे भी अब तो तू हमार ननद बनी गई बारो। हमार तो ये भी कितना बड़ा सपना रहे कि तहार हमारे साथ रिश्ता ननद भौजाई वाला जोड़े। ठीक बा, जैसे हम सोच ले रहनी वैसे ना जोड़ सकल तक का भाई। रॉकी साथे शादी तो हमार हो ही गई बा। कि हो ना सकेला तू झूठ बोलत बाड़ू। हम तो पे बिल्कुल भरोसा ना कर सके नी पापा। एकर कौनो हक ना बा मेहरा हाउस में आवे के।
कौनो शादीवादी ना भइल बा रॉकी ब्रो से। कुछ सोच समझ के बोला तानिया, एका बोल रहा बड़ू ऐसे बोल के केकर बेइज्जती करे के चाहेलू हमार या अपन भाभी के। रॉकी ब्रो आप इतना बड़ा झूठ एकर एकर साथ देवे खातिर बोलो तानी। हम उकरा साथ शादी उकरा साथ देवे खातिर कहले हैं। हम एक दूसरे के जाने के बाद और समझे के बाद फिर एक दूसरे के हाथ थामे हैं तानिया। अगर तू ये घर में अपन पाँव ये घर के बहू बन के रख ली बिया तो फिर ऐसे बात के फिक्र करे के तो के कौनो जरूरत नहीं के। तो के कमरा भी मिल जाई तुम्हारी सुहागरात इस सुहागरात भी हो जाई। लेकिन तू तनी शर्म तो करा सबर करा तनी ऐसन बात करत भैल तू अच्छा लगेलू। डायमंड एकरा के अच्छी तरह से समझा दा अगर अब भी घर में बिना मतलब के तमाशा खड़ा कहले भी है ना तो हम एकरा के उठा के घर से बाहर फेंक दे। सिमोन सुन ले लू ना तू जेके भैया काका के गाइल बानी अब हमारे एक बात ना कान खोल के सुन ला तहार सुहागरात कहाँ हुई और कहाँ ना यह फैसला गीत करी है। अगर तहरा मंजूर बा तो तू रुक सकेलू ना तो फिर जेके भैया अपन फैसला सुना दिले बानी। देखा तन्या जेके भैया के जे कहे के रहे वो कह देनी अब तब डायमंड भैया भी चल गई नी अब तू ही संभाला इनका के हमनी ऐसन बात करत बढ़िया नहीं खेले गतानी। आप फिक्र मत करी फूफा जी एकरा तो हम खुद ही संभाल ले आप हमके ये बताएं गीत भाभी कहाँ बाड़ी। ओ गीत अपन शो के शूटिंग के खातिर बाहर गई बानी वो भी शूट के बाद आज ही है वापस। तहार तो हमके पहले ही पता रहे तान्या हमके पता रहे कि और केहो पहचाने या ना पहचाने पर तू जरूर हमके अच्छा तरह से पहचान जाएगी। लोग कहे लेना कि जोहरी के हीरे के पहचान हो खेला हम कहे नी कि एक चोर दूसरे चोर के पहचान ही ले वेले तो के हम पहले से पहचानत रहनी। सिमोन हमके पता बा तू चाल चले से बाज ना आएगी अभी भी तो बना ही ले लो उसके एक घर में आवे के कि भाभी से बहुत बड़ा गलती हो गई है जे तहार गृह प्रवेश गई। तान्या बाहर इतना सामान के करबा और कितना सारा अटैची भी बा और छोटा ट्रक भी सामान से भरल लगल बा। हमार सामान आ गई उतावे के ही रहे रॉकी उठा ला सारा सामान कमरा में। हमरा कमरा में लेकिन हमरा कमरा में तो जगह ही नहीं के तू देख तला सिमोन हमार कमरा तो छोट बा। तू जाके सामान संभाल के फिक्र करा कमरा हम खुद ही देख ले और रहल बात हमार मन पसंद कमरा पे कब्जा करे की तो वो तो अच्छा तरह से आवेला सिमोन के। चला चली तान्या वैसे तहार गीत भाभी शूटिंग पे गई बारी ना चला फिर हमार तरफ से हमार मैसेज तू ही दे दिया उकरा के बता दिया कि हमार सुहाग रात ना आज इहे कमरा में इहे बेड पे हुई तान्या ई माजरा का बा रॉकी ब्रो सिमोन के साथ लेके काहे घूमत आनी बात कुछ समझ नहीं क्या आइल। हमके तो खुद कुछ समझ ना आ रहल बा आकाश गीत भाभी के इंतजार करे के अलावा और कोनो रास्ता ना बा। एक बार गीत भाभी घर आ जाए फिर ओहे आके कोनो फैसला करिए। पर बेस्टी गाइल कहां बानी उनका ढोल कंपटीशन के शूटिंग बना आज। ओ हां आज तो बड़ा तगड़ा मुकाबला हुई बेस्टी के दो दो टक्कर के मुकाबलेबाज हुई उनका सामने। अब एक तो पवन ढोली रहे और दूसर लड़की का नाम रहे ओकर भैरवी उन लड़की के नाम भैरवी बा।
रॉकी ऐसा कैसे कर सकेला? रॉकी सिमोन के साथ शादी कैसे कर सकेला? हेलो, के बोला था? हम भैरवी बोला था नहीं। भैरवी तू हमने के फोन कर लू हा? हम बता ना सके नहीं कि हम कितना खुश बानी तुहार आवाज सुन के। उ दिन हम तुहार घर आइल रानी तो ऐजा भी हमरा से ना मिलू। तो फिर जब तू दिवाली के पूजा में आइल रालू उ दिन भी तुहार हमारा अच्छे से मिलन ना भइल, बातें ना भइल। चला छोड़ा पुरानी बात के, तू हमरा के आज फोन कर ले लू, हमरा के ये खुशी के बात बा। इतना खुश होए की कोनो जरूरत नहीं है। हम तो तोरा के ई बतावे खातिर फोन करनी हा, आज रियलिटी शो के सेमीफाइनल बा। ता आज एगो बात साफ हो जाई कि कौन फाइनल में जा पाई और कौन ना। पर तू हमरा के ये सब काहे बतावत रहू, ताकि तोरा के पता लग जाए कि हम तो फाइनल में जाते बानी। तो हमारा आज के पेशकारी देख के सारा जज हक्का बक्का रह गए। तू आज के अखबार देख लू भला, ओमे सिर्फ बार बार हमार नाम आइल बा। और सारा अखबार वाला ये माने लेनी हा कि हम ही फाइनल में जाएब, और गीत के नाम भी ना छपल कोनो अखबार में। अच्छा, तो हम गीत के साथ मुकाबला में भाग लेवे वाली मुकाबलेबाज भैरवी से बात करतानी, और हमरा के लागल रहे कि हमरा के भैरवी मेहरा के फोन आइल बा, पर वो शायद हमरा धोखा रहे। तू ता गीत के साथ मुकाबला करे वाली भैरवी बाड़ू ना, तो अब तू ई फोन वो मुकाबले वाली लड़की के नीचे दिखावे खातिर कैलू है ना। बोला सच कहता नहीं ना, हमरा के का जरूरत बा कोनो नीचा के और नीचा दिखावे के। अगर वो हमार थोड़ा आसपास भी होत तो कोनो अखबार में ओकर नाम ना होत। हाँ, अखबार वाल के हिसाब से ता ई मुकाबला में जीत के दौड़ में तू है सबसे आगे बा। गीत का तो कोनो अखबार में नामे ना छपल बा, पर नाम काहे ना छपल बा इहो हम अच्छा तरह से जाने नी। फिर तो हम ऐसे ही फोन कर देनी तोहरा के तो पहले पता बा कि गीत हमरा के हरा ना सकेली। हम ऐसा तो कुछ ना कहनी हो, पर तू कछुआ और खरगोश की कहानी सुन लू है ना। बस खरगोश के जैसन अपन ध्यान रखिया। हमार गीत शुरुआत चाहे धीरे से करे, पर वो लंबा खेल खेले वाली खिलाड़ी में से बाड़ी, वो जरूर जीती, कहे कि हमार आशीर्वाद ओकरा साथ बा। अच्छा, आशीर्वाद भी ओकरा खातिर? तो फिर हमरा खातिर का बा आपके पास, श्राप या हम ही मेरा परिवार खातिर श्राप बनी? हमरा खातिर तो तोहरा दिल से कोनो दुआ निकलले ना ना, पर उस श्राप में भी बहुत ताकत होला। तो उहे श्रापित भैरवी कहतारी तोहरा के कि उहे जीती हम ही जीतब, और जोने दिन हम जीतब उ दिन तोहर घर के सामने बैंड बाजा बजाई। तो और कर भी का सके नी, एक श्रापित कलाकार, एक श्रापित संगीतकार और एक श्रापित भाई। बस भैरवी, अब कोनो रिश्ता के बात ना करी, काहे कि तू रिश्तेदार वाली कोनो बात कैलू ना हा। बहुत मान बना तोहरा के अपन कला पे, अपन संगीत पे। तो पहला जीता तब फिर बैंड बाजा लेके हमनी के घर के बाहर आई हा, तो फिर उ बैंड बाजा पे तोहार जीत पे हमार बहु गीत नाची। ई हमार वादा बा, ई जसलीन मेहरा के वादा बा तोहरा साथ। वादा तोहार वादा? चला बताई फिर। जेके मेहरा साहब मान ली बात के उनकर घर के औरत इतना बड़ा वादा कह दे केहू से कि उनकरा से बिना पूछे घर का फैसला घर के औरत ले ले। सोच ली वो आज भी पुराना जमाने के हिसाब से ही सोचे नी कि कहीं तोरा के। अब ज्यादा मत बोला भैरवी, हम जेके साहब के बारे में कुछ भी ऐसे वैसे ना सुन सके नी।
उ जैसन भी बाड़े हमरा खातिर सब कुछ बाड़े। हम शादी करके उनकरा साथ ही घर में आईनी हा। अच्छा तोहार तो बड़ा करीब के रिश्ता बा मेहरा साहब के साथ, और हम के बानी। हम जेके मेहरा बोलता नहीं, तोहके तोहार सवाल के जवाब हम बाद में दे दे। कौनो भी नहीं के तू हमार, समझ गई लू? हम केहू ना बानी। आज हम सच में केहू ना बानी। लेकिन आज जब सबके सब हमार पेशकारी देखिए हैं, तो तोहर लाडली गीत ई मुकाबला हार जाई तो फिर जसलीन मेहरा के हमार स्वागत करे के ही पड़ी, और मेहरा हाउस की बहू नाची हमार बैंड बाजा पे, और उ दिन जेके मेहरा की अक्कड़ टूट जाई। और हम पूछब जेके मेहरा के बड़ा, हे गणेश भगवान, आपके पूरा दुनिया विघ्नहर्ता के नाम से जाना था, तो आज हमारे गीत के जिंदगी के गो बहुत बड़ दिन बा, बहुत इम्पोर्टेंट दिन। आज ओकर कंपटीशन के सेमीफाइनल बा। प्लीज भगवान जी, प्लीज कृपा करी, ओकर मदद करी, और ओकर फाइनल में जाई वाला रास्ते में आवे वाला सब विघ्न के हरली विघ्नहर्ता गीत के मदद करी कंपटीशन जीते में। प्लीज गणेश जी, प्लीज प्लीज गीत के सपना पूरा करी भगवान जी, प्लीज। स्वागत बा ताल के रिदम कंपटीशन में सेमीफाइनल राउंड में। एंजॉय करत रहनी ताल के रिदम के सेमीफाइनल राउंड। अब समा आ चुकल बा आपके ई बतावे के बा डेंजर जोन में। सो डेंजर जोन में जाए वाला पहला नाम बा साहिल। दूसरा नाम जोन डेंजर जोन में बा उबा लकी, और तेसर नाम बा रियाल। और अब ऑडियंस के वोट्स और जजेस के फैसला के मिला के जो नाम फाइनल में जा रहल बा उ है पवन ढोली।
और पवन के मुकाबला होई फाइनल में भैरवी के साथे। और तेसर नाम जोन फाइनल में जा रहल बा ई दुनू के टक्कर देवे खातिर, उ है गीत मेहरा। आपके आपन गीत ढोली आज जब तक अब गीत खातिर फाइनल के रास्ता नहीं खे खोलब, हम यहीं पर खड़ा रहब आपके चरण में। मल्हार जी, हम फाइनल तक पहुंच गए बानी। सच्ची गीत दान्या जसलीन, पता ना कहां चले गए सबके सब लोग। ऐजा बानी जेके साहब, बताई का बात बा? बड़ी जरूरी खबर बा तू सब लोगों खातिर। खबर कहां से आयल बा खबर? मल्हार के फोन आयले हमरा पास। का कहा था मल्हार? और मुकाबला के का भइल? गीत सेमीफाइनल पार कर गए भैया, अब वो फाइनल में पहुंच गए भैया। गीत फाइनल राउंड में पहुंच गए बड़ी? हाँ। शुक्र बा माता रानी के, ये तो बहुत खुशी की खबर बा। गीत तो मेरा परिवार के सर ऊंचा कर देला सा। देखिए जी के साहब, अगर वो फाइनल तक पहुंच गए बड़ी ना, तो जीती भी जरूर। देखनी फिर चाची जी, हम ये घर में पैर का रखनी, ये घर में तो खुशखबरी आ गई। खुशखबरी खाते ना, हमार गीत बहुत मेहनत करला सा। हाँ बिल्कुल, कैले होखी मेहनत, पर ये घर में खुशखबरी तो तभी आयल ना, जब ये घर में ई घर के लक्ष्मी के पैर पड़ल। माता रानी के अंश तो हर औरत में होला सिमोन, तो उस हिसाब से ई घर के बहु बेटी ई घर के लक्ष्मी बानी। बाकी अपना मुँह मियाँ मिठू बने के का जरूरत बा तोरा के? उस सब तो पहले ही घर में रहे, हम तो अभी आई नहीं। फिर भी तू ये घर के लक्ष्मी ना, ये घर के लक्ष्मी बाड़ी हमार गीत। जब से ये घर में आयल बाड़ी, ये घर के माहौले बदल गए बा। ये घर के लोग एक दूसरे के प्यार करे लागल बाड़े, साथ मिलके रह ले। पर हाँ, तोहरा के ये सब बतावे के कोनो जरूरत नहीं खे, तोहार कहाँ पल्ले पड़ी सब बात। बाकी के तब पता ना, पर एक बात जरूर हमार समझ में आ गई बा कि एक गीत जब से ये घर में आयल बाड़ी ना, एक घर के ता माहौल ही बदल गई बा। पर हमार विश्वास करी चाची जी, अब सिमोन ही घर में आ गई बाड़ी और ये घर के माहौल ता जरूर बदली, और ऐसन बदली क्यों गीत के सारा कुछ हमार हो जाए, ओकर कपड़ा से लेकर ओकर कमरा तक, तो पर हाँ ओकर चांद जी तक। गीत के पास से मुकर सारा कुछ छीन लेगा।